हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर मॉर्निंग की किचन को क्लीन कर रही हूँ। और आज हमने मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है सबके लिए, मतलब अपने लिए, बच्चों के लिए, मोक्ष के पापा जी के लिए, और फिर भी किचन में बर्तन हो गए हैं क्योंकि जो मतलब सीढ़की में रहते हैं, रात को रखवाली करते हैं वहाँ पर, तो फिर उनके लिए मॉर्निंग में खाना जाता है क्योंकि वो रात भर वहाँ पर ठहरते हैं। तो फिर जब पापा जी 7 बजे के करीब जाते हैं तो उनका खाना लेकर जाते हैं, तो मैंने उनके लिए बनाया है। और बनाया तो मैंने मोक्ष के पापा जी के लिए भी टिफ़िन लगा दिया क्योंकि मैंने रोटी सब्जी बनाई थी। तो फिर लंच के लिए तो मतलब मोक्ष के पापा जी के लिए भी मैंने रोटी सब्जी रख दी थी क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी मेरा कन्फर्म नहीं है प्लॉट पर जाना। वैसे उन्होंने छुट्टी ली हुई थी आज की प्लॉट पर जाने के लिए, और आज सुबह से मतलब 5 बजे के करीब से, शायद उससे पहले भी हो रही हूँ, पता नहीं है मुझे, लेकिन जब मैं 5 बजे के करीब उठी थी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और उन्होंने छुट्टी ली हुई थी कि प्लॉट पर काम है तो फिर वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है उनका कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो ड्यूटी चले जाएंगे अगर बारिश लगातार बनी रही तो। इसीलिए वो अभी पापा जी को छोड़ने के लिए गए हुए हैं, तो कह रहे थे कि अगर बारिश रुक गई तो फिर मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा, और अगर नहीं की तो फिर मेरा छुट्टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं ड्यूटी निकल जाऊँगा। तो इसलिए मैंने उनका लंच लगा दिया था। फिलहाल तो अभी पापा जी को छोड़ने के लिए गए हैं तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया किसी के लिए भी, और अभी टाइम भी 7 बजे के करीब ही हो रहा है। तो फिर मैं सोच रही थी कि जब मोक्ष के पापा जी आएंगे तो तभी ब्रेकफास्ट बना लूँगी सबके लिए, और दोनों बच्चे भी सोए हुए हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था ब्रेकफास्ट बनाने का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर किचन को क्लीन कर लिया, और मैं सोच रही थी कि अभी तो दोनों बच्चे सोए भी हुए हैं तो मैं घर की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ साथ के साथ ही। अभी तो फिलहाल मैं बाहर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ से विंडो के पर्दे हटाऊँगी, और लाइट को भी मैंने ऑन कर दिया, तो मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे अंदर सोए हुए हैं, और झाड़ू भी लेने के लिए आई हूँ मैं बाहर, तो मैं झाड़ू लेकर जाऊँगी अंदर। और अभी मतलब बाहर का गेट खुला हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि मौसम बारिश का ही बना हुआ है अभी भी, और मॉर्निंग के टाइम इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि मौसम खुल गया है, लेकिन मौसम खुला नहीं है, अभी भी बारिश का ही बना हुआ है। और बस मैं क्लीनिंग कर दूंगी अभी, और बारिश की वजह से हर जगह मतलब जाल में से भी पानी आ रहा है, तो मैं सबसे पहले दोनों बच्चों के पास आ गई हूँ अंदर, तो झाड़ू भी मुझे काफ़ी बचा कर लगानी पड़ेगी पानी से, क्योंकि गीले में फिर झाड़ू लगती नहीं है, जाल अच्छे तरीके से ढका हुआ नहीं है। और बच्चे दोनों सोए हुए हैं अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी क्लीनिंग कर देती हूँ, अच्छा लगता है जब घर जल्दी क्लीन हो जाता है। हेलो, और मैं सोच रही हूँ जब तक बच्चे सो रहे हैं तो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मोक्ष भी अभी उठ नहीं रहा है, तो मैंने उसको काफ़ी बार उठाया पर वो उठ ही नहीं रहा, और अभी किशु भी सोया हुआ है यहीं पर, और आप लोगों को कूलर के चलने की आवाज़ आ रही होगी, तो अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और मोक्ष के पापा जी सीढ़ी गए हैं, तो अभी तो टाइम है मतलब वो 7:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है, तो क्लीनिंग कर लेते हैं तब देखते हैं फिर ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, क्या मैं बनाऊँगी। तो अभी मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट तो मैंने 5-10 मिनट पहले कर दिया था क्योंकि मैं अंदर से क्लीनिंग करके आ चुकी हूँ, और वहाँ पर मैं थोड़ा धीरे धीरे करके आई हूँ क्योंकि किशु ना उठ जाए, इसलिए मोक्ष उठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोक्ष को तो मैं उठा भी रही थी क्योंकि अब आगे आगे स्कूल खुलने वाले हैं, तो फिर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं उठते हुए सारे काम करते हुए, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको आदत बन जाए दोबारा से उठने की, तो वो उठ तो जाता है लेकिन फिर भी स्कूल होता है 8 बजे के करीब, तो 6 बजे के करीब मैं मोक्ष को उठाना स्टार्ट कर देती हूँ। पर अभी मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, तो बस जल्दी से मैं सोच रही थी मेरा झाड़ू पोछा लग जाए जब तक मोक्ष के पापा जी आए, और किशु सोया हुआ है, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे जब मेरी क्लीनिंग जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। और फिर बच्चे जब उठते हैं तो आराम से उनके साथ बैठो, थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करो, तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मोक्ष तो अभी उठ नहीं रहा है और किशु भी सोया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ पोछा लग जाए मेरा तो तब वो उठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग करते हुए मैं बाहर के रूम में आ गई, तो मैंने डस्टिंग वगैरह साथ के साथ ही कर दिया, जब मुझे कभी जल्दीबाजी में करनी होती है तो मैं डस्टिंग हमेशा साथ के साथ ही कर लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाहर झाड़ू लगाने के लिए, और यहाँ पर सब सामान ऐसे खड़ा, मतलब एक्टिवा भी यहीं पर खड़ी है, तो झाड़ू पोछा मतलब बाहर तो कोई सीन नहीं है खड़ा करने का, और साइकिल तो अंदर ही रहती है क्योंकि मोक्ष के पापा जी अभी लेकर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो स्कूटी से चले जाते हैं, और मोक्ष की तो छुट्टी पड़ी हुई है, तो पहले तो मतलब एक्टिवा घर पर रहती थी तो वो साइकिल लेकर चले जाते थे, लेकिन अभी वो एक्टिवा लेकर जाते हैं तो अब साइकिल घर पर ही रहती है। तो यहाँ पर बस मैं झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू मैंने काफ़ी बचा कर लगाया क्योंकि जाल में से काफ़ी पानी आ, और झाड़ू लगाते ही यहाँ पर किशु भी उठ गया था, तो फिर मैं इसके पास आ गई थी।
तो मैं तो सोच ही रही थी कि पोछा शायद अभी ना लगाओ, रुक कर लगा लूँ, लेकिन फिर ये भी उठ गया, तो फिर मैं पोछा कैंसिल ही हो गया मेरा। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर में लगा लेती हूँ। और अभी यहाँ पर मोक्स के पापा जी भी आ गए थे, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने भी जाऊँगी अभी, तो फिर मैंने इसलिए पोछा रोक दिया। तो जब बारिश रुक जाएगी तो तब मैं पोछा लगाऊंगी, और ऊपर जाल में से काफ़ी पानी आ रहा है, तो ऊपर मैं ढकने भी जाऊंगी तो मैं भी भीग जाऊंगी। वैसे तो मतलब छाता लेकर चले जाओ, लेकिन फिसलन बहुत रह जाती है वहाँ पर छत पर, तो फिर मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा तेज़ बारिश में। कम बारिश में तो मैं फिर भी ढकने के लिए चली जाती हूँ। तो इसीलिए क्लीनिंग तो रह गई और झाड़ू तो लग चुकी है, तो बस यहाँ पर मैं फिर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ। और मोक्स भी उठ चुका है, तो दोनों बच्चे उठ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो गैस के स्टैंड वगैरह हैं तो उनको लगा दिया है, तो फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। और एक बार ब्रेकफास्ट बन चुका है, मतलब सबके लिए नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि कन्फर्म नहीं था, अगर होता तो फिर तो मैं एक ही बार बना देती। और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चीला, तो मैं यहाँ पर इसको मतलब मैंने बेसन को छान लिया है, तो बेसन को छान कर तसल्ली हो जाती है, चाहे वो पैकेट का हो या ना हो, क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रही है अभी बरसात की, तो फिर कीड़े वगैरह होने का रहता है। और बस फिर से मैंने मतलब मॉर्निंग में आज दो बार ब्रेकफास्ट बनेगा, तो एक बार तो बन चुका है और अब बन रहा है दूसरी बार। तो यहाँ पर मैं प्याज को काट रही, तो मैं प्याज डालूँगी इसमें, तो मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि टमाटर फिर मोक्ष नहीं खाएगा, तो वो उसको फिर ऊपर ही दिखेंगे चीले में, तो अच्छा नहीं लगेगा उसे, तो फिर वो निकालने में रह जाएगा टमाटर को, क्योंकि इसमें टमाटर कट करके जाते हैं, जो भी सामान होता है तो काट कर ही जाता है, पेस्ट तो इसमें नहीं जाता है, वो मतलब हर किसी का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। लेकिन मैं इसमें कुछ पेस्ट वगैरह बनाकर नहीं डालूंगी, तो मैं इसमें सिर्फ प्याज डालूंगी, टमाटर ऐड नहीं करूंगी। तो अभी मैं बेसन को डाल रही हूँ इस बाउल में, तो बस अभी इसका घोल बना लेंगे। तो इसका घोल जो बनता है तो वो ज़्यादा पतला नहीं बनता है, जिन लोगों को बनाना नहीं आता तो मैं उनको बता रही हूँ, उनको हेल्प मिल जाएगी बनाने की, जिनको अच्छा लगता है खाने में लेकिन बना नहीं पाते हैं। और यहाँ पर ये किशू आ गया मेरे पास, क्योंकि मोक्ष के पापा जी नहा रहे हैं, तो उन्होंने यहीं पर बिठा दिया उसको, तो मैं ज़्यादा काम अपना कम कर रही हूँ, पर मेरा ध्यान इसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो इसने यहाँ पर ये भी उठा लिया है। तो यहाँ पर कोई सामान नहीं छोड़ता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से कप का स्टैंड भी हटा दिया है, तो दूसरी साइड रख दिया था मैंने उसको, क्योंकि वो गिरा देता है। और इसमें मैंने ऐड किया है प्याज और नमक, मिर्च, हल्दी ऐड करूँगी मैं इसमें, अभी ऐड नहीं किया मैंने, इसमें ऐड कर दिया था पहले कसूरी मेथी, प्याज, और बस यहाँ पे मैंने मिर्च डाली है हल्की सी, नमक और हल्दी, तो बस यही सब मसाले मैं ऐड करूँगी इसमें, और कुछ नहीं डालूँगी। और पानी डाल रही हूँ मैं इसको, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाऊँगी, क्योंकि इसमें फिर पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो बनते नहीं है, तो ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें घोल को, तो ठीक सा रखना है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब जब उसको करछी को घुमाते हैं तो पता लग जाता है, जो लेडीज़ होते हैं तो आइडिया हो जाता है कि ये कितना पतला है, कितना पतला बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैं कितना पतला कर रही हूँ। और मैंने इसमें भी गरम मसाला नहीं डाला है, तो मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें बाद में ऐड कर दिया था। और मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला था, जो रेड कलर की डब्बी थी जिसे मोक्ष ले वो किशू ले रहा था सॉरी, तो मैंने उसमें से वो मतलब भुना हुआ जीरा पाउडर है तो वो भी डाला था मैंने इसमें। तो मैंने इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, प्याज, कसूरी मेथी, तो ये सब ऐड किया है इसमें। तो मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया, जो लोग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, जिन्होंने नहीं बनाया। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया चीले को, और मैं इसको फैला रही, तो मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि चीला हमारा अच्छे तरीके से निकल जाए। निकल तो मतलब वैसे भी जाता है, क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है तो प्रॉब्लम नहीं होती है निकालने में, लेकिन अगर वैसे भी बनाते हैं वैसे तवे पर भी, तो थोड़ा सा ऑयल डाल ले उस पर, तो तब निकल आता है ये, क्योंकि निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसे। तो बस यहाँ पर मैं इसको पलट दूँगी, और जब मैं इसको पलट रही थी तो मुझसे थोड़ी सी चम्मच लग गई थी इसके अंदर, तो ये बीच से थोड़ा सा टूट गया था, तो इसको पलटने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो फिर इसलिए मैंने इसको मतलब ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा मैंने चला चला कर, तो यहाँ पर बीच में चम्मच लग गई थी मुझसे, तो ये पलटने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे इसको। तो फिर मैंने पलट तो रही थी मैं दूसरे वाली करछी से इसको, लेकिन अचानक से जैसे मैं पलट रही थी तो मैंने उसकी चम्मच की थोड़ी सी हेल्प ले ली इससे पलटने के लिए, तो चम्मच उसमें से निकल गई। तो आप लोग देख सकते हैं, और हमारा जो ये चीला है तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, तो जिन्होंने मतलब खाया है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और जिन्होंने नहीं खाया है तो आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा चीला क्रिस्पी बन चुका है, तो मैं आप लोगों को अभी इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी लगता है।
तो अभी मैं फर्स्ट चेला देकर आई हूँ मोक्ष के पापा जी को, क्योंकि वो नहा चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अंदर, तो वो निकल जाएंगे फिर। तो यहाँ पर मैं बस सबके लिए बना रही हूँ अभी, तो मोक्ष भी उठ चुका है तो वो भी नहा रहा है। और यहाँ पर ये जो चेला है, तो बाकी के चेले तो मेरे सही बन गए थे, क्योंकि एक बार चम्मच निकल गई थी उसमें, दोबारा मैंने चम्मच का यूज़ नहीं किया उसको उतारने में। थोड़ा बहुत तो लगाई मैंने, लेकिन बीच तक नहीं जाने दिया मैंने चम्मच को, और साइड में मैंने रख दिया चाय। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में चीले हमारे बेसन के। तो यहाँ पर बस मैं इसको धीरे धीरे करके पलट रही हूँ, और जब उसको मतलब तवे पर फैलाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल और डाल देना चाहिए, तो वो अच्छे तरीके से सिक जाता है। और जिन लोगों ने बेसन का चीला नहीं बनाया अभी तक, तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आप लोग इसमें टमाटर वगैरह, सब्जी वगैरह, हरी मिर्च काट कर भी डाल सकते हैं, तो मैंने हरी मिर्च काट कर नहीं डाले क्योंकि बच्चे भी खाते हैं फिर। और साथ के साथ ही मैंने तो यहाँ पर प्लेट लग चुकी है मेरी और मोक्ष की, ये है चाय। तो आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। इसीलिए मैंने पोछा लगाना रोक दिया था, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो गई थी, और फिर मोक्ष के पापा जी भी आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, क्योंकि फिर वो खिड़की से आकर तो फिर थाना भवन वापस चले गए थे ड्यूटी पर। तो आज उन्होंने छुट्टी नहीं लिया क्योंकि बारिश हो रही है, तो काम भी वहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कुछ पता नहीं है, तो इसलिए छुट्टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं था उनका। और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और ब्रेकफास्ट से याद आया मुझे, मैंने दवाई नहीं ली अभी, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी इसीलिए किया था पहले कि मैं दवाई लूँगी, क्योंकि कल मैं दवाई लेकर आई थी, तो मैं कल गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, मतलब जो ये पैक होता है हमारा हैंड का, ही जो इसमें यहाँ पर मुझे पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे बैठते भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो बैठा भी नहीं जा रहा था मुझसे, तो फिर मैं दवाई लेकर आई थी, तो अब तो मुझे काफ़ी आराम है। लेकिन करना तो हमें फिर भी होता है, चाहे हमें मतलब जब बिल्कुल ही हम ये होता है कि हाँ हमसे हो नहीं पाएगा बिल्कुल ही, तो तब जाकर कहीं लेटे रहने का सीन बनता है, लेकिन मुझसे फिर लेटा नहीं जाता है, थोड़े बहुत में तो मैं चल लेती हूँ काम करने के लिए, और मुझे घर फैला हुआ अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, बल्कि आज एक घंटे के अंदर दो बार ब्रेकफास्ट बनाया, डेली तो एक ही बार बनता है, और आज दो बार बनाया मैंने ब्रेकफास्ट। और अभी दोनों बच्चे अंदर हैं, तो उनको देखते हैं क्या कर रहे हैं, और मैं अपनी मेडिसिन भी लूँगी, और पोछा जब बारिश रुक जाएगी तो मैं तब लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी पानी हो रहा है नीचे, पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। क्या हुआ, आ जाओ आ जाओ केशी, आ जाओ भाई। नहीं बेटा नहीं नहीं रख दो निकाल के, ओए बाय 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 बाय। और मैंने किशु को होई वाला सूट पहनाया हुआ है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। हाँ जी रख दो, नहीं नीचे नहीं फेंकना, मैंने नीचे झाड़ू लगा दी, यहीं पर रख दो, मैं रख उठा लूँगी यहीं से, तो नीचे तो मैंने झाड़ू लगा दिया, आप लोगों के सामने लग गया, तो बस पोछा लगाना रह गया, तो इसलिए मैंने कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाई है, बच्चों को भी मैंने फैलाने नहीं दिया कुछ भी नीचे, तो बस मैं डायरेक्ट पोछा लगाऊंगी अभी। नहीं बेटा, और मैं करूँगी अभी इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलूँगी आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में नई रूटीन के साथ। नहीं नहीं ये पानी भी गिरा देगा, कोई नहीं ये तो ले लेना, तो मिलते हैं कल। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वो भी लाइक कीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तो मुझे कमेंट्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के। तो बाय बाय टेक केयर, बाय कर दो, बाय ऐसे करो, बाय बाय केशी केशी, बाय कर दो आप भी।